जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज के वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए यहाँ पर हिंदी साहित्य के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर। तो वीडियो को पूरा अवश्य देखिएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। ये मैराथन क्लास है अपनी, ये जो है 7:30 बजे से अपनी शुरू हो चुकी है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर है इसमें, लाइक शेयर अवश्य कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है देखिएगा, पुष्प की अभिलाषा नामक कविता की रचयिता कौन मानी जाती हैं बताइएगा। मैथिली शरण गुप्त हैं, बालकृष्ण शर्मा नवीन हैं, माखनलाल चतुर्वेदी हैं या फिर गोपाल शरण सह नेपाली हैं। पुष्प की अभिलाषा ये कविता पूछी जाती है, महत्वपूर्ण कविता है और इसके रचयिता कौन माने जाते हैं। तो आप सभी का यहाँ पर निशा जी, अनीता जी, मनोज जी, लवली जी, तनु जी सही आंसर होगा माखनलाल चतुर्वेदी। ये माखनलाल चतुर्वेदी की कविता मानी जाती है। विकल्प नंबर आपका जो सी है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। एक भारतीय आत्मा के नाम से इनको जाना जाता है, किनको? माखनलाल चतुर्वेदी को। शिल्पा जी बिल्कुल, लाइव क्लास चल रही है, मैराथन क्लास है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, जगन्नाथ दास रत्नाकर उद्धव शतक का काव्य रूप आपके लिए बताना है। इसका काव्य रूप क्या है बताइए, चयन कीजिएगा। ये महाकाव्य है या फिर खंड काव्य है, मुक्तक काव्य है या फिर ये प्रगीत काव्य है। 28वां क्वेश्चन है और 28 में आप सभी का सही आंसर होगा। ये जगन्नाथ दास रत्नाकर का काव्य माना जाता है और कौन सा काव्य है? तो विकल्प नंबर आपका यहाँ पर बी सही आंसर होगा, ये खंड काव्य माना जाता है। विकल्प नंबर दो जिन्होंने भी यहाँ पर चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर होगा, बिल्कुल सही आंसर चयन किया। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर 29 पूछा गया, द्वापर का काव्य रूप बताना है। द्वापर बताइएगा, इसका काव्य रूप क्या है? ये महाकाव्य है, खंड काव्य है, मुक्तक काव्य है या फिर इनमें से कोई नहीं है? चयन कीजिएगा आलोक जी। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है अमित सिंह जी, और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है कि ये माना जाता है, क्या माना जाता है? 29 में सही आंसर है मुक्तक काव्य, विकल्प नंबर सी यहाँ पर सही आंसर होगा। मुक्तक काव्य आपका यहाँ पर जो है सही आंसर होगा, विकल्प नंबर तीन। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर आपका 30 है कि समस्या पूर्ति किस काल की कविता में प्रचलित थी बताइए। समस्या पूर्ति बताना है। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 430 यहाँ पर जो है पूछा गया है और 430 में पी के मिश्रा जी, अंजलि जी, क्या होगा सही आंसर बताइए। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, समस्या पूर्ति किस काल की कविता में प्रचलित थी? भारतेंदु, द्विवेदी, छायावादी या फिर प्रयोगवादी युग में? तो आप सभी का यहाँ पर 30 में सही आंसर आ रहा है कि भारतेंदु में। विकल्प नंबर आपका यहाँ पर भारतेंदु युग जो है वह सही आंसर होगा। भारतेंदु युग में जो है समस्या पूर्ति जो है इस काल की कविता में प्रचलित थी। तो विकल्प नंबर एक आपका यहाँ पर सही आंसर होगा, बिल्कुल सही बिंदु जी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 431 यहाँ पर दिया गया है। क्या पूछा गया है? ये रहा क्वेश्चन नंबर 431, वह तोड़ती पत्थर, देखा मैंने उसे इलाहाबाद के पथ पर, निराला की इस कविता को किस वर्ग में रखा जाएगा? वह वर्ग आपके लिए यहाँ पर बताना है बताइए। वह तोड़ती पत्थर, तोड़ती पत्थर जो कि निराला जी की कविता मानी जाती है, देखा मैंने उसे इलाहाबाद के पथ पर, तो निराला की इस कविता को किस वर्ग में रखा जाएगा? छायावादी, प्रगतिवादी, प्रयोगवादी या फिर इनमें से कोई नहीं? 31 का सही आंसर आ रहा है कि इसको प्रगतिवादी में रखा जाएगा, विकल्प नंबर बी आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। विकल्प नंबर दो जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, बहुत बढ़िया, सभी लोगों ने यहाँ पर सही आंसर चयन किया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपका 32 यहाँ पर दिया गया है, कौन सी लंबी कविता संपूर्ण छायावादी काव्य की एक उत्कृष्ट उपलब्धि है बताइए। 32 में आपके लिए चयन करना है, असाध्य वीणा है, राम की शक्ति पूजा, तुलसीदास या फिर पल्लव। ये 32वां क्वेश्चन आपसे सभी से पूछा गया, बताइएगा इंदु कुमारी जी क्या होगा सही आंसर। नीतू सिंह जी, क्वेश्चन महत्वपूर्ण है और कौन सी लंबी कविता है जो संपूर्ण छायावादी काव्य की एक उत्कृष्ट उपलब्धि है? तो सही आंसर आ रहा है कि राम की शक्ति पूजा।
राम की शक्ति पूजा विकल्प नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर है। ये लंबी कविता मानी जाती है, इस प्रकार पूछा जाता है कि इनमें से बताइए लंबी कविता कौन सी है। तो जो राम की शक्ति पूजा है ये लंबी कविता है, इसके लेखक कौन मानी जाती है आपके लिए कमेंट में बताना है। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर 33 पूछा गया है। निराला के काव्य में भाषा ओजपूर्ण है, भाषा संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली है, स्वर लय की प्रधानता है या फिर उपर्युक्त सभी, बताइए क्या होगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 33 है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहां पर पूछा गया है। 33 में आप सभी का सही आंसर होगा उपर्युक्त सभी सही आंसर होगा। निराला के काव्य में भाषा ओजपूर्ण है, भाषा संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली है, स्वर लय की प्रधानता है, उपर्युक्त सभी आपका यहां पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर 34 क्या पूछा गया है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। देखिएगा कि भारत की अतीत गरिमा का चित्रण करते हुए कवियों ने भारतीयों को जगाने के लिए उद्बोधन गीत भी लिखे हैं। निराला जी का उद्बोधन गीत कौन सा है ये आपके लिए बताना है। बताइएगा अरिमा है, जूही की कली है, जागो फिर एक बार, या फिर बांधो ना नाव इष्ठाओं बंधु, बताइए। 34वां क्वेश्चन आपसे पूछा गया, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है विकल्प नंबर यहाँ पर सी सही आंसर है, जागो फिर एक बार। जागो फिर एक बार ये निराला जी का उद्बोधन गीत है, विकल्प नंबर सी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। 3 वाला विकल्प जिन्होंने भी चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर 35वां क्वेश्चन पूछा गया है। निराला जी का उद्बोधन काव्य भी निराला ही है, उनकी नवजागरण कविता कौन सी है। नवजागरण कविता आपके लिए बताना है, जागो फिर एक बार, तोड़ती पत्थर, मैं अकेला, या फिर बसंत आया, उपासना जी, बिंदु जी, आराधना जी, क्या होगा सही आंसर चयन कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 435 है, 435 में आपके लिए चयन करना है। और निराला जी का उद्बोधन काव्य भी निराला है, उनकी नवजागरण कविता कौन सी है। तो आप सभी का सही आंसर है जागो फिर एक बार, विकल्प नंबर एक आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। जागो फिर एक बार आपका यहाँ पर सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर 36 पूछा है। पंत द्वारा रचित प्रथम कविता थी कौन सी थी ये आपके लिए यहाँ पर चयन करना है। बताइए चयन कीजिएगा, हे कबीते, या फिर गिरजे का घंटा, या फिर जूही की कली, या फिर उच्छ्वास, बताइए चयन करना है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पंत द्वारा रचित कविता कौन सी थी। तो 4 विकल्प आपके यहाँ पर दिए गए हैं। 36वां क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है और 36 में आप सभी का सही आंसर होगा गिरजे का घंटा, विकल्प नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर है। गिरजे का घंटा ये पंत द्वारा रचित प्रथम कविता थी, प्रथम पूछा है तो गिरजे का घंटा आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा, विकल्प नंबर 2 सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, 37वां क्वेश्चन है। निराला जी ने गीति काव्य के अंतर्गत शोक गीत भी लिखे हैं, उनका शोक गीत आपके लिए बताना है कौन सा माना जाता है। बांधो ना नाव इष्ठाओं बंधु, या सरोज स्मृति, जूही की कली, या फिर जागो फिर एक बार, बताइए क्या होगा सही आंसर। रामबरन जी क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 437 है और 437 में आप सभी का सही आंसर आ रहा है सरोज स्मृति, विकल्प नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर है। निराला जी ने गीति काव्य के अंतर्गत तो शोक गीत भी लिखे हैं, उनका शोक गीत माना जाता है सरोज स्मृति, विकल्प नंबर 2 आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर 38 पूछा गया है, महत्वपूर्ण। निम्न में से किस कवि का मन बचपन में मात्र स्नेह से वंचित होने पर अल्मोड़ा की प्राकृतिक सुषमा की ओर आकृष्ट हुआ, बताइएगा भाई कौन से कवि थे। सुमित्रानंदन पंत थे, निराला थे, श्रीधर पाठक थे, या फिर जयशंकर प्रसाद थे। सैनी जी चयन कीजिएगा, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 38 पूछा गया है और 38 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है सुमित्रानंदन पंत, विकल्प नंबर 1 जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। सुमित्रानंदन पंत जिन्होंने भी चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर होगा, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर 39 पूछा गया है। कोणाल गीत के रचयिता बताना है कौन माने जाते हैं। माखनलाल चतुर्वेदी हैं, मैथिली चरण गुप्त हैं, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही हैं, या फिर श्रीधर पाठक हैं। 439 में आपके लिए चयन करना है,
क्या होगा सही आंसर राजीव जी? कोणाली गीत की रचयिता बताना है, और आप सभी का यहाँ पर 39 में सही आंसर आ रहा है कि वह मानी जाते हैं कौन। विकल्प नंबर आपका यहाँ पर बी सही आंसर है, मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त आपका सही आंसर होगा, बिल्कुल सही। कोणाली गीते की रचयिता मैथिली शरण गुप्त मानी जाती है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर 40 पूछा गया है कि स्वदेशी कुंडल नामक काव्य संग्रह की रचना करने वाले कवि का नाम बताइए। स्वदेशी कुंडल बताइए, रामचरित उपाध्याय, राम या फिर रास देवी प्रसाद पूर्ण, विद्यासागर उपाध्याय, हरिऔध या फिर गया प्रसाद शुक्ल स्नेही। चयन कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 40 यहाँ पर पूछा गया है, स्वदेश कुंडल, स्वदेशी कुंडल, स्वदेशी कुंडल। तो ये काव्य संग्रह किसका है? तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा रास देवी प्रसाद पूर्ण। विकल्प नंबर आपका जो बी है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। विकल्प नंबर दो जिन्होंने भी चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर होगा। बहुत बढ़िया, सभी लोगों का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर 41 पूछा गया है, उर्वशी, उर्वशी महाकाव्य की रचयिता बताना है, बताइएगा। बालकृष्ण सर सॉरी श्याम नारायण पांडे हैं, गोपाल शरण सिंह हैं, बालकृष्ण शर्मा हैं या फिर राम नरेश त्रिपाठी हैं, बताइए। हाँ, यहाँ पर राय देवी प्रसाद पूर्ण होगा, यहाँ पर रास लिखा है जहाँ पर। तो क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 41 है, और आप सभी का यहाँ पर 41 में क्या होगा सही आंसर, चयन कीजिएगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है। क्या आ रहा है सही आंसर? बहुत बढ़िया, सभी लोगों ने सही आंसर बताया है कि विकल्प नंबर सी यहाँ पर सही आंसर होगा, यानी कि बालकृष्ण शर्मा नवीन आपका सही आंसर है। बालकृष्ण शर्मा नवीन आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 42वां क्वेश्चन है, प्रभा और प्रताप नामक पत्रिकाओं का संपादन किस कवि ने किया है? वह कवि आपके लिए बताना है, बताइए। रमा शर्मा जी, बहुत बढ़िया। तो आप सभी का यहाँ पर क्या होगा सही आंसर, 42वां क्वेश्चन है। तो 42 में आप सभी का सही आंसर है, प्रभा और प्रताप नामक पत्रिकाओं का संपादन किस कवि ने किया है? तो वह कवि कौन है? वह कवि माने जाते हैं बालकृष्ण शर्मा नवीन। विकल्प नंबर आपका जो बी है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा, बालकृष्ण शर्मा नवीन आपका यहाँ पर सही आंसर है। बहुत बढ़िया, सभी लोगों ने यहाँ पर सही आंसर चयन किया है। विकल्प नंबर आपका यहाँ पर बी जो है सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, 43वां क्वेश्चन है, बालकृष्ण शर्मा नवीन की रचना नहीं है, नहीं आपके लिए बताना है, क्या होगा सही आंसर? नहीं चयन करना है, बताइए, चयन कीजिएगा। चार विकल्प आपके यहाँ पर दिए गए हैं, 443वां क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा गया है, और 443 में आप सभी का सही आंसर आ रहा है। विकल्प नंबर एक आपका हल्दी घाटी जो है, हल्दी घाटी वह आपका सही आंसर होगा, ये बालकृष्ण शर्मा नवीन की रचना नहीं है, तो विकल्प नंबर एक आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 444 है, महत्वपूर्ण है, कौन सी रचना दिनकर जी की है पूछा गया है, बताइएगा। रसवंती है, मुकुल है, रश्मि रेखा है या फिर पाथी है? क्वेश्चन महत्वपूर्ण है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है 444 में। विकल्प नंबर क्या रहा है सही आंसर? पार्वती देवी जी, विकल्प नंबर एक यहाँ पर सही आंसर होगा रसबंती। रसबंती जो है, रसबंती रचना ये जो है दिनकर की रचना मानी जाती है। विकल्प नंबर एक आपका यहाँ पर सही आंसर होगा, बहुत बढ़िया, जिन्होंने ये चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर होगा, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया है, 45वां क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण है, हल्दी घाटी महाकाव्य की रचयिता बताना है, कौन मानी जाती है? हल्दी घाटी ये महाकाव्य माना जाता है और इसकी रचयिता कौन मानी जाती है, चयन कीजिएगा। चार विकल्प आपके दिए गए हैं यहाँ पर, सिया रामशरण गुप्त या फिर श्याम नारायण पांडे, बालकृष्ण शर्मा नवीन या फिर सुभद्रा कुमारी चौहान, बताइए। हल्दी घाटी महाकाव्य है ये, और अपन ने कई बार इसको पढ़ा है, ये माना जाता है किनका? तो विकल्प नंबर आपका यहाँ पर बी जो है वह सही आंसर होगा, श्याम नारायण पांडे। श्याम नारायण पांडे विकल्प नंबर दो जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया है, 46वां क्वेश्चन है,
दिनकर जी ने काम अध्यात्म का निरूपण किस कृति में किया है? वह कृति आपके लिए चयन करना है, रेणुका है, रश्मि रति है, उर्वशी है, या फिर हारे को हरिनाम, बताइए। 446 में आपके लिए चयन करना है। और रोहिणी जी, आप सभी का यहाँ पर 440 में सही आंसर आ रहा है। विकल्प नंबर आपका सी सही आंसर होगा, उर्वशी। दिनकर जी ने काम अध्यात्म का निरूपण किस कृति में किया है? तो उर्वशी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही आंसर आप लोगों ने यहाँ पर चयन किया है। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर 47 पूछा गया है। नकुल महाकाव्य की रचयिता कौन माने जाते हैं? गया प्रसाद शुक्ल सनेही हैं, रामधारी सिंह दिनकर हैं, राम नरेश त्रिपाठी हैं, या फिर सियाराम शरण गुप्त हैं? नकुल बताना ही, नकुल महाकाव्य है, महाकाव्य माना जाता है, और ये इसकी रचयिता आपसे पूछा गया है। तो रचयिता कौन मानी जाती हैं? तो 47 में आपका सही आंसर है सियाराम शरण गुप्ते। कौन मानी जाती हैं? सियाराम शरण गुप्त। डी वाला विकल्प जो है वह आप सभी का यहाँ पर प्रीति जी, बिल्कुल सही आंसर है डी वाला विकल्प, सना जी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया है, अगला क्या दिया गया है, ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 48। निम्नलिखित काव्य संकलन में पंत का छायावादी काव्य नहीं है, नहीं बताना है पल्लव या गुंजन या उत्तरा या फिर ग्रंथी। 448 में आपके लिए यहाँ पर चयन करना है, क्या होगा इसका सही आंसर, चयन कीजिएगा। राजन सिंह जी, और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा, क्या होगा सही आंसर, 448 में आप सभी का सही आंसर होगा विकल्प नंबर एक जो सी जो है वह आपका सही आंसर है। निम्नलिखित काव्य संकलन में बताना है पंत का छायावादी काव्य का नहीं है, तो छायावादी काव्य नहीं है, तो सी वाला विकल्प आपका यहाँ पर सही आंसर होगा, यानी कि उत्तरा आपका यहाँ पर सही आंसर है। बहुत बढ़िया, रीना जी जिन्होंने भी सी चयन किया उनका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर 49 पूछा गया, सुमित्रा नंदन पंत द्वारा रचित काव्य संग्रह बताना है, कौन सा है, लवली जी, उच्छवास, ग्रंथी, वीणा, पल्लव, गुंजन, या फिर उपर्युक्त सभी। 49 का सही आंसर चयन कीजिएगा, क्या होगा सही आंसर। सुमित्रा नंदन पंत द्वारा रचित काव्य संग्रह बताना है, कौन सा माना जाता है? तो 49 में आप सभी का सही आंसर आ रहा है विकल्प नंबर डी, यानी कि उपर्युक्त सभी जो यहाँ पर दिए गए हैं, उच्छवास 1920, ग्रंथि 1920, वीणा 1927, पल्लव 28 और गुंजन 1932, ये उपर्युक्त सभी जो यहाँ पर काव्य संग्रह दिए गए हैं ये पंत जी के माने जाते हैं। तो विकल्प नंबर 4 आपका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया 50, पंत जी की कौन सी रचना जो है नव मानवतावादी युग की रचना है? वह रचना आपके लिए यहाँ पर चयन करना है, लोकायतन है, युगवाणी है, स्वर्णधूलि है, या फिर इनमें से कोई नहीं। 450 का सही आंसर चयन कीजिएगा, 4 विकल्प आपके यहाँ पर दिए गए हैं, और 450 में आप सभी का सही आंसर क्या होगा? तो विकल्प नंबर 1 आपका सही आंसर है लोकायतन। लोकायतन जो है, लोकायतन ये पंत जी की रचना है, और जो नव मानवतावादी युग की रचना मानी जाती है, विकल्प नंबर 1 आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर 51 पूछा गया, पंत को उनकी किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? पंत जी की वह कृति आपके लिए बताना है 451 में, क्या होगा सही आंसर, बताइए। 451 का सही आंसर दयाराम जी चयन करना है, पंत जी की किस कृति पर उनको जो है भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? लोकायतन, चिदंबरा, वीणा, या फिर कला और बूढ़ा चांद? तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है 51 में, विकल्प नंबर डी जो है वह सही आंसर है, कला और बूढ़ा चांद यहाँ पर सही आंसर होगा। बहुत बढ़िया, जिन्होंने 4 चयन किया है। तो आप सभी का यहां पर सही आंसर होगा, पंत को उनकी किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है?
तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 51 है और 51 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है, बी होगा सही आंसर, चिदम्बरा होगा आपका सही आंसर, विकल्प नंबर 2 जो है भाई आप सभी का सही आंसर, बिल्कुल सॉरी यहाँ पर विकल्प नंबर बी होगा सही आंसर, चिदम्बरा। पंत जी की प्रकृति के चित्रण के लिए प्रसिद्ध रचना है, उन्होंने अधिकांश प्रकृति का चित्रण किया है, तो किस रूप में इन्होंने जो है प्रकृति का चित्रण किया है ये आपके लिए चयन करना है, चयन कीजिएगा सभी लोग क्या होगा इसका सही आंसर। चार विकल्प आपके यहाँ पर दिए गए हैं, महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपसे पूछा गया है और आप सभी का यहाँ पर क्या होगा सही आंसर, चिदम्बरा आपका वहां पर बिल्कुल सही आंसर है, 1968 में जो है ये पुरस्कार मिला था और बहुत बढ़िया। 52वां क्वेश्चन है, 52 में आपके लिए चयन करना है क्या होगा सही आंसर, 452 है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है कि विकल्प नंबर आपका यहाँ पर एक जो है आलंबन रूप में आपका यहाँ पर सही आंसर होगा, आलंबन रूप में आपका सही आंसर है। महादेवी वर्मा कृत काव्य संग्रह आपके लिए बताना है कौन सा माना जाता है, दीपक जी लाइव क्लास चल रही है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर क्या होगा, लवली जी बिल्कुल, तो क्वेश्चन नंबर आपका 53 है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, महादेवी वर्मा कृत काव्य संग्रह है निहार 1930, रश्मि 1932, नीरजा 1935 या सांदगीत या फिर उपर्युक्त सभी, बताइए चयन कीजिएगा, महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, महादेवी वर्मा कृत काव्य संग्रह है उपर्युक्त सभी, जितने भी यहाँ पर निहार रश्मि नीरजा सांदगीत उपर्युक्त सभी महादेवी वर्मा के ही माने जाते हैं। छायावाद का मैनिफेस्टो कहा जाता है किसे कहा जाता है, आपके लिए चयन करना है कामायनी की भूमिका को, पल्लव की भूमिका को, आंसू की भूमिका को या फिर इनमें से कोई नहीं, स्वानी जी चयन कीजिएगा, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, लाइक अवश्य कर लेंगे सभी लोग जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, एक बार लाइक अवश्य कर लें, और छायावाद का मैनिफेस्टो कहा जाता है किसके लिए कहा जाता है, तो आप सभी का सही आंसर है पल्लव की भूमिका को कहा जाता है, विकल्प नंबर आपका जो बी है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। निम्न में से असंगत छांटना है, असंगत आपके लिए चयन करना है, बताइएगा कौन सा युग में जो है असंगत है, वैशाख 1921, कामना 1934, जन्मेजय का नांग यज्ञ 1900 सॉरी कामना 1924, जन्मेजय का नांग यज्ञ 1926, एक घूंट 1930, अशोक 1927 और सन्यासी 1929, इनमें से आपको बताना है असंगत युग में कौन सा है, असंगत इस प्रकार का बताना है कि जिनका जो है अलग दिया गया है प्रकाशन उस प्रकार जो है आपके लिए चयन करना है, तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है कि असंगत युग में जो है साधना जी रीमा जी वह कौन सा है, वह विकल्प नंबर आपका यहाँ पर डी नेहा जी अशोक और सन्यासी, ये वाला जो विकल्प है आपका यहाँ पर कैसा है, असंगत है डी वाला विकल्प आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर 56 क्या पूछा गया है, देखिएगा इरा क्वेश्चन नंबर 56, इनमें से कौन सा कवि राष्ट्रीय चेतना का कवि नहीं है, नहीं बताना है चयन कीजिएगा क्या होगा सही आंसर, मैथिली शरण गुप्ते, माखनलाल चतुर्वेदी, रत्नाकर या फिर बालकृष्ण शर्मा, नबीन। 56वां क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, 56 में आप सभी का क्या होगा सही आंसर, तो इनमें से कौन सा कवि राष्ट्रीय चेतना का कवि नहीं है, नहीं पूछा गया है आपसे और 56 में आप सभी का सही आंसर आ रहा है, विकल्प नंबर यहाँ पर जो सी है वह आप सभी का सही आंसर होगा, यानी कि जगन्नाथ दास रत्नाकर, रत्नाकर ये राष्ट्रीय कवि नहीं माने जा, राष्ट्रीय चेतना के कवि नहीं है, तो विकल्प नंबर सी आपका यहाँ पर 3 जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा, बहुत बढ़िया सभी लोगों ने यहाँ पर सही आंसर बताया है, सिया रामचरण गुप्त की रचना नहीं है, बताइएगा विषाद या फिर आत्मोत्सर्ग या पाथे या फिर झांसी की रानी, 57 का सही आंसर चयन करना है क्या होगा सही आंसर, सिया रामचरण गुप्ते की रचना नहीं बताना है आपके लिए, तो नहीं में आपका यहाँ पर जो सही आंसर होगा वह होगा विकल्प नंबर यहाँ पर डी, देखिएगा झांसी की रानी ये रचना नहीं मानी जाती है, बाकी विषाद आत्मोत्सर्ग पाते ये रचनाएं मानी जाती हैं, तो डी वाला विकल्प जो है ये रचना झांसी की रानी किन की रचना मानी जाती है, अगर आपके लिए पता है तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा।
क्वेश्चन नंबर आपसे 58 पूछा गया है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, देखिएगा क्या पूछा गया है। द्विवेदी युग के उस कवि का नाम बताइए जिसने अपने समस्त काव्य जो है ब्रज भाषा में लिखे हैं, बताइएगा, चयन कीजिएगा। क्या होगा सही आंसर, ये दो विकल्प आपके गलत हो गए हैं, इनमें से आपको दो में से चयन करना है, क्या होगा सही आंसर। 58वां क्वेश्चन है दीपक जी, और 458 में आप सभी का क्या होगा सही आंसर। द्विवेदी युग के उस कवि का नाम बताना जिसने अपनी जो है समस्त काव्य ब्रज भाषा में लिखी हैं, तो आप सभी का सही आंसर है जगन्नाथ दास रत्नाकर। जगन्नाथ दास रत्नाकर आपका सही आंसर होगा, सी वाला विकल्प जिन्होंने भी चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपसे 59 पूछा गया है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, केवल मनोरंजन ना कवि का मर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए, पंक्तियां किस कविता की है, ये आपके लिए यहाँ पर 59 में चयन करना है, वह कविता आपके लिए चयन करना है, कौन सी वह कविता है, तो आप सभी का यहाँ पर क्या होगा सही आंसर, भारत भारती, साकेत, जयद्रथ वध या फिर प्रिय प्रवास। तो क्वेश्चन नंबर 459 है, वो 459 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है, कि विकल्प नंबर एक आपका यहाँ पर सही आंसर है, यानी कि भारत भारती, केवल मनोरंजन न कवि का मर्म होना चाहिए, ये पंक्तियाँ जो है भारत भारती कविता से जो है उससे ली गई हैं, भारत भारती से, विकल्प नंबर आपका एक जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा, जो कि सभी लोगों ने यहाँ पर सही आंसर चयन किया है। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर 60 पूछा गया, राधिका रमण प्रसाद सह कृत उपन्यास बताना है कौन सा माना जाता है, राम रहीम, प्रेम पत्र या फिर लगन या फिर नारी, बताइए। ममता जी क्या होगा सही आंसर, चयन करना है। रिया जी चार विकल्प आपके यहाँ पर दिए गए हैं और इनमें से आप चयन कीजिएगा, राधिका रमण प्रसाद सह कृत उपन्यास कौन सा माना जाता है, तो यहाँ पर विकल्प नंबर 60 में राम रहीम जो है वह आपका यहाँ पर सही आंसर होगा, राम रहीम आपका सही आंसर है, विकल्प नंबर एक जिन्होंने भी चयन किया, संगीता जी उनका यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, महावीर प्रसाद द्विवेदी किस जो है छदम नाम से अपनी रचनाएं सरस्वती में छापती थी, बताइएगा क्या होगा सही आंसर, चयन करना है। महावीर प्रसाद द्विवेदी जो है किस नाम से अपनी रचनाएं जो है सरस्वती में छापते थे, तो आप सभी का यहाँ पर क्या होगा सही आंसर, त्रिशूल, भुजंग भूषण भट्टाचार्य, हनुमान या फिर अनामदास। क्वेश्चन नंबर 461 है, 461 में आपके लिए चयन करना है क्या होगा सही आंसर, और 461 में सभी लोग बता रहे कि विकल्प नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा, भुजंग भूषण भट्टाचार्य आपका यहाँ पर सही आंसर है, विकल्प नंबर दो जिन्होंने भी यहाँ पर चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 62 है, महत्वपूर्ण है, देखिएगा, खड़ी बोली के उस महाकाव्य का नाम बताइए जिसमें राधा कृष्ण का युगानुरूप परिवर्तन कर दिया गया है, ये आपके लिए बताना है, चयन करना है, वह आपके लिए महाकाव्य बताना है, वैदेही वनवास है, न्याय कृष्णायन है, प्रिय प्रवास है, उद्धव शतक है, क्या होगा सही आंसर, और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है 462 में चयन करना है, 462 का सही आंसर, तो विकल्प नंबर सी आपका सही आंसर होगा, प्रिय प्रभास, प्रिय प्रभास जिन्होंने यहाँ पर सी चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर होगा, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही आंसर चयन किया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा आस्था जी, क्वेश्चन नंबर 63 पूछा गया है, माखनलाल चतुर्वेदी की कविता नहीं है, देखिएगा चयन करना है आपके लिए, नहीं जवानी या फिर कैदी और कोकिला, पुष्प की अभिलाषा या फिर बापू, बताइए, नहीं बताना है सरोज रावल जी, क्या होगा सही आंसर, माखनलाल चतुर्वेदी की कविता कौन सी नहीं है, और 63 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है कि विकल्प नंबर आपका यहाँ पर जो दिया गया है डी, यानी कि बापू, बापू आपका यहाँ पर सही आंसर होगा, बापू कविता ये जो है माखनलाल चतुर्वेदी की नहीं मानी जाती है, किन की मानी जाती है बताइए कमेंट में, अगर आपके लिए पता है बापू किन की कविता है। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर 64 क्या पूछा गया है, देखिएगा ये रहा क्वेश्चन नंबर 64 आपसे यहाँ पर पूछा गया है कि निम्नलिखित में से महादेव वर्मा की रचना नहीं है, बताइए, नहीं बताना है
क्या होगा सही आंसर? नीता जी, शबनम जी, देखिएगा दीपशिखा अपन ने महादेव वर्मा की रचना पढ़ी है, सांध्य गीत और निहार भी पढ़ी है, लेकिन यहाँ पर आपका सही आंसर होगा रजत शिखर। रजत शिखर आपका यहाँ पर सही आंसर है। विकल्प नंबर आपका यहाँ पर जो सी है वह आपका सही आंसर होगा। विकल्प नंबर 3 जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। तो बहुत बढ़िया सी वाला विकल्प, जिन्होंने भी चयन किया है, महादेव वर्मा की रचना नहीं मानी जाती है। बहुत बढ़िया। जयशंकर प्रसाद कृत नाटक आपके लिए बताना है, कौन से नाटक जयशंकर प्रसाद के हैं बताइएगा, चयन कीजिएगा। तो क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, जयशंकर प्रसाद कृत नाटक है सज्जन कल्याणी, प्राश्चित, करुणालय, राज्यश्री या फिर उपर्युक्त सभी, चयन कीजिएगा। 4 विकल्प आपके दिए गए हैं। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है कि उपर्युक्त सभी। विकल्प नंबर जो डी है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। ये पूरे जो जितने भी यहाँ पर नाटक दिए गए हैं ये माने जाते हैं जयशंकर प्रसाद के। विकल्प नंबर 4 आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा समन जी, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 66 पूछा गया, निम्नलिखित में से किस रचना के लिए महादेवी वर्मा को हिंदी साहित्य के सर्वोच्च सम्मान ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था बताइए, चयन कीजिएगा। ज्ञानपीठ पुरस्कार इनके लिए दिया गया था किस रचना के लिए, दीपशिखा, यामा, सांध्य गीत या फिर निहार के लिए। क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, 466वां क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है और 466 में यशवंत सिंह जी, विकल्प नंबर आपका यहाँ पर जो सही आंसर है वह बी आपका यहाँ पर सही आंसर है, यानी कि यामा आपका विकल्प नंबर 2 जो है वह सही आंसर होगा। यामा रचना के लिए इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 67 आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन महादेवी वर्मा के संबंध में सही नहीं है बताइए, नहीं बताना, सही नहीं है। महादेवी वर्मा ने ब्रज भाषा में कविताएं लिखी हैं, इनकी कविता में चित्रों जैसी संरचना का आभास मिलता है, इनके गीत भाव प्रधान हैं, इनकी पहली रचना रश्मि है, चयन करना है। 67वां क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, बताइएगा क्या होगा सही आंसर 67 में, कौन सी जो है कौन सा कथन जो है महादेवी वर्मा के संबंध में सही नहीं है। तो आपका जो यहाँ पर सही आंसर है वह डी सही आंसर, इनकी पहली रचना रश्मि है। ये कथन कैसा है, सत्य नहीं है, सही नहीं है। विकल्प नंबर 4 आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर 68 पूछा गया, लक्ष्मीनारायण मिश्र कृत नाटक है मुक्ति का रहस्य, राक्षस का मंदिर या पाताल विजय या फिर प्रतिशोध, शिवा शिव साधना या फिर उपर्युक्त सभी बताइए। लाइक सभी लोग कर लेंगे, जिन्होंने अभी तक नहीं किया है लाइक वीडियो को तो सभी लोग जल्दी से लाइक अवश्य कर लेंगे। मैराथन क्लास आपके लिए लाई गई है, यहाँ पर महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके हैं और आप सभी का यहाँ पर 68 में सही आंसर आ रहा है कि विकल्प नंबर यहाँ पर क्या होगा सही आंसर। तो बहुत बढ़िया, उपर्युक्त सभी आपका यहाँ पर सही आंसर है। यहाँ पर जितने भी नाटक दिए गए हैं लक्ष्मी नारायण मिश्र जी के नाटक हैं, मिश्र जी के नाटक माने जाते हैं ये। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, 69वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, असत्य कथन बताना है। बादल कविता सुमित्रा नंदन पंत की है, नौका विहार कविता का समापन दार्शनिकता से हुआ है, कामायनी में शैव दर्शन का प्रतिपादन है, राम की शक्ति पूजा एक महाकाव्य है बताइएगा, चयन कीजिएगा। 4 विकल्प आपके दिए गए हैं, निशा जी और नीता जी, बिंदु जी, आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा कि एक कथन असत्य है। तो असत्य कथन की बात करें तो विकल्प नंबर डी होगा सही आंसर, डी वाला विकल्प आपका यहाँ पर सही आंसर है, राम की शक्ति पूजा एक महाकाव्य है। ये वाला विकल्प आपका कैसा है, असत्य है। विकल्प नंबर आपका यहाँ पर जो डी है वह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि भगवती चरण वर्मा कृत एकांकी है, भगवती चरण वर्मा कृत एकांकी आपके लिए चयन करना है, कौन सी मानी जाती है। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है,
यहाँ पर बादल जो है सुमित्रानंदन पंत जी की तो मानी जाती है कविता, एक तो आपका सत्य है, लेकिन राम की शक्ति पूजा आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। यहाँ पर असत्य पूछा है, आप लोग सत्य बता रहे हैं, असत्य बताना है। राम की शक्ति पूजा जो एक लंबी कविता मानी जाती है, और बादल तो जो है बादल कविता सुमित्रानंदन पंत की ही मानी जाती है। सभी लोग जो है ये लगाए जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, भगवती चरण वर्मा कृत एकांकी आपके लिए बताना है, कौन सी एकांकी है, चयन कीजिएगा, बताइए। एक ही कब्र में, या फिर सबसे बड़ा आदमी, उपाधि और व्याधि, या फिर मान विजय। क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, 70वां क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा गया है। 70 में सही आंसर चयन करना है, क्या होगा सही आंसर। भगवती चरण वर्मा कृत एकांकी बताना है, और आप सभी का 70 में सही आंसर है। सबसे बड़ा आदमी 1936 की एकांकी मानी जाती है, किनकी, भगवती चरण वर्मा जी की। विकल्प नंबर आपका यहाँ पर बी जो है वह यहाँ पर सही आंसर होगा। जगदीश चंद्र माथुर द्वारा लिखित एकांकी बताना है, कौन सी एकांकी जगदीश चंद्र माथुर की है, मेरी बांसुरी, या फिर स्पर्धा, या फिर कारवा, या फिर दुर्गा। 471वां क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा गया है, 471 में क्या होगा सही आंसर। सब लोगों ने वहां पर गलत बताया, एक जन ने ए लगा दिया, तो सब लोगों ने जो है वहां पर बिना देखे ए सभी लोगों ने लगा दिया, और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है जगदीश चंद्र माथुर द्वारा लिखित एकांकी बताना है, मेरी बांसुरी। आप सभी का यहाँ पर एक जो है वह सही आंसर होगा, विकल्प नंबर एक आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। बहुत बढ़िया, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर पूछा गया है, कौन सा 72वां क्वेश्चन पूछा गया है, क्या पूछा है, देखिए 72वां क्वेश्चन है कि द्विवेदी को का कौन सा कवि ब्रज कोकिल के नाम से जाना जाता है, बताइए। चयन कीजिएगा, चार विकल्प आपके यहाँ पर दिए गए हैं। और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा, क्या होगा सही आंसर, तो बहुत बढ़िया, सभी लोगों ने यहाँ पर सही आंसर चयन किया है कि विकल्प नंबर आपका यहाँ पर जो दिया गया है बी, वह आप सभी का सही आंसर होगा, यानी कि तो बी आपका सत्यनारायण आपका सही आंसर होगा, सत्यनारायण आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। विकल्प नंबर जिन्होंने भी बी चयन किया, सत्यनारायण पांडे, उनका यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया है, कौन सा 72वां क्वेश्चन है कि मैथिली शरण गुप्त की रचना नहीं है, नहीं आपके लिए चयन करना है, पंचवटी, विष्णु प्रिया, करुणा कादम्बिनी, या फिर यहाँ पर वृत्त संहार, चयन करिएगा सभी लोग, चार विकल्प आपके यहाँ पर दिए गए हैं। हाँ शिल्पा जी, और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा, सभी लोगों ने यहाँ पर सही आंसर चयन किया है कि मैथिली शरण गुप्त की रचना आपके लिए नहीं बताना है, तो नहीं में आपका देखिएगा जो विकल्प नंबर सी है वह सही आंसर होगा, करुणा कादम्बिनी, करुणा कादम्बिनी आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा, बहुत बढ़िया, सभी लोगों ने सही आंसर चयन किया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया है, 74 महत्वपूर्ण है, कौन सी कृति 1931 ईस्वी में प्रकाशित हुई, वह कृति आपके लिए चयन करना है, कौन सी कृति है। 474वां क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा गया है, और इसका जो सही आंसर होगा वह क्या होगा सही आंसर, भारत भारती, यशोधरा, द्वापर, या फिर साकेत, कौन सी कृति 431 ईस्वी सॉरी 1931 ईस्वी में प्रकाशित हुई, तो विकल्प नंबर आपका यहाँ पर जो डी है वह सही आंसर होगा, साकेत आपका यहाँ पर सही आंसर है, विकल्प नंबर चार आपका सही आंसर है, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, विसंगत आपके लिए चयन करना है, विसंगत में आपका कौन सा अनुक्रम सही होगा, जयद्रथ वध 1910 इसका प्रकाशन वर्ष है, भारत भारती 1912, द्वापर 1936, पंचवटी 1924, बताइए। 75वां क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा गया है, 75 में क्या होगा सही आंसर, सभी लोग चयन करिएगा, विसंगत आपके लिए विसंगत अनुक्रम चयन करना है यहाँ पर, 475वां क्वेश्चन है, और यहाँ पर आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है कि जो पंचवटी है, पंचवटी 1924 इसका प्रकाशन नहीं माना जाता है, तो विकल्प नंबर आपका क्या होगा सही आंसर, डी वाला विकल्प आपका यहाँ पर सही आंसर होगा।
बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 76 है, रोमानी भावबोध के कवियों को किस नाम से पुकारा जाता है? छायावादी कवि, रीतिमुक्त कवि, स्वच्छंदतावादी कवि या फिर रहस्यवादी कवि? 476 में रोमानी भावबोध के कवियों को किस नाम से पुकारा जाता है? और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? 76वां क्वेश्चन है पिंकी जी, और आप सभी का यहाँ पर संध्या जी सही आंसर होगा। इनको स्वच्छंदतावादी कवि पुकारा जाता है, स्वच्छंदतावादी कवि के नाम से ये पुकारा जाता है। विकल्प नंबर आपका जो सी है, वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर पूछा है 77, इनमें से कौन सी कृति मैथिली शरण गुप्त कृत नाट्य रचना है? नाट्य रचना आपके लिए बताना है। हाँ तनु जी बिल्कुल, तो आप सभी का यहाँ पर क्या होगा सही आंसर? जिस भी क्वेश्चन में आपके लिए डाउट रहता है पूछ सकते हैं, जो है उसको आखिरी में अपन जो है किसी भी क्वेश्चन में आपके लिए रहता है कि इसमें ये नहीं ये आंसर हो सकता, हमसे भी जो है गलत हो सकते हैं आंसर, तो आप पूछ सकते हैं, आखिरी में अपन उस क्वेश्चन को जो है सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 77 पूछा गया है, कौन सी कृति मैथिली शरण गुप्त कृत नाट्य रचना है? नाट्य रचना पूछा गया है 77 में, तो आप सभी का सही आंसर होगा तिलोत्तमा। तिलोत्तमा आपका यहाँ पर जो विकल्प नंबर एक है वह आपका सही आंसर होगा। तिलोत्तमा आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 78वां क्वेश्चन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने द्विवेदी युग के किस कवि को छायावाद का प्रवर्तक माना है? बताइएगा अंश जी और मेनका जी, क्या होगा सही आंसर बताइए, चयन कीजिएगा। और आप सभी का सही आंसर आ रहा है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने द्विवेदी युग के किस कवि को छायावाद का प्रवर्तक माना है? तो वह माना है किसके लिए? मुकुटधर पांडे को। विकल्प नंबर आपका यहाँ पर एक जो है वह आपका सही आंसर होगा, मुकुटधर पांडे आपका यहाँ पर सही आंसर है। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, द्विवेदीयुगीन काव्य का एक अन्य नाम क्या है? तो द्विवेदीयुगीन जो काव्य है इसका एक अन्य नाम है स्वच्छंदतावाद, नवजागरण सुधार काल, राष्ट्रीयतावादी काल या फिर कोई नहीं। क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, 79वां क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, और 79 में आप सभी का यहाँ पर क्या होगा सही आंसर, चयन कीजिएगा। चार विकल्प आपके दिए गए हैं और विकल्प नंबर आपका यहाँ पर जो बी है भाई आपका सही आंसर होगा, नव जागरण सुधार काल आपका यहाँ पर सही आंसर है। नव जागरण सुधार काल आपका सही आंसर होगा, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर 80वां क्वेश्चन क्या पूछा गया है, यहाँ पर दिया गया है 80वां क्वेश्चन ये रहा। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन आपके लिए चयन करना है, बताइएगा, चयन कीजिएगा, सभी लोग बताइएगा। यहाँ पर महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, और प्रसाद जी ने मौन निमंत्रण कविता लिखी, पंत काव्य का क्रमिक विकास हुआ है, निराला को साहित्य जगत में प्रतिष्ठित करने का श्रेय डॉक्टर रामविलास शर्मा को है, महादेवी वर्मा को आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। तो 480वां क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, सभी लोग चयन करेंगे क्या होगा सही आंसर बताइए। 480 में आपके लिए चयन करना है क्या होगा सही आंसर। तो आप सभी का विकल्प नंबर एक सही आंसर है, प्रसाद जी ने मौन निमंत्रण कविता लिखी है, ये कथन कैसा है? असत्य है। विकल्प नंबर आपका यहाँ पर एक जो है वह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर भी आपके लिए असंगत कथन बताना है, सॉरी असत्य कथन बताना है, कौन सा कथन असत्य है बताइए। महादेवी के काव्यों में वेदना भाव की प्रधानता है, कामायनी में प्रत्याभिज्ञा दर्शन की शब्दावली प्रयुक्त है, निराला में प्रगतिवादी चेतना किसी प्रगतिवादी कवि से कम नहीं है, सुमित्रा नंदन पंत को लोकायतन पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है बताइएगा, चयन कीजिएगा। 481वां क्वेश्चन पूछा गया है, कौन सा कथन असत्य है? और 81 में आप सभी का सही आंसर है कि सुमित्रा नंदन पंत को लोकायतन पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है, ये कथन आपका यहाँ पर कैसा है? असत्य है। विकल्प नंबर आपका 4 जो है वह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सम्मिलित है? सही सम्मिलित बताना है, चयन करना है, झरना जयशंकर प्रसाद की रचना है या फिर ग्रंथ पद्य
पंत जी की रचना ग्रंथी होगा यहाँ पर, और प्रताप पत्रिका का संपादन कार्य माखनलाल चतुर्वेदी ने किया है, या फिर यहाँ पर आपको बताना है जागो फिर एक बार कविता दिनकर की है, सही सम्मिलित है, कौन सा सही सम्मिलित है ये आपके लिए चयन करना है, बताइए। छवि जी, छवि शंकर जी, क्या होगा क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपका 82 पूछा गया है, और 82 में आपका डी जो है भाई आपका सही आंसर है, जागो फिर एक बार कविता दिनकर की है, ये वाला विकल्प आपका यहाँ पर सही आंसर होगा, विकल्प नंबर डी जिन्होंने भी चयन किया है उनका सही आंसर है। प्रेमचंद द्वारा लिखित गोदान का प्रकाशन आपके लिए बताना है, क्या माना जाता है बताइए, गोदान का प्रकाशन बताना है क्या माना जाता है। बहुत बढ़िया, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 34 यहाँ पर दिया गया है, देखिएगा 34वां क्वेश्चन आपसे, सॉरी 84वां क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा गया है कि हिंदी में स्वच्छंदतावाद का प्रवर्तक कवि किसे माना जाता है, बताइए, चयन कीजिएगा, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, चार विकल्प आपके यहाँ पर दिए गए हैं, श्रीधर पाठक को, हरिऔध को, मैथिली शरण गुप्त को, या राम नरेश त्रिपाठी को। अब आवाज जो है सही आ रही होगी, हिंदी में स्वच्छंदतावाद का प्रवर्तक किसे कहा जाता है, तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है 84 में विकल्प नंबर एक यानी कि श्रीधर पाठक को, किनको, श्रीधर पाठक को, विकल्प नंबर आपका एक जो है वह सही आंसर है, बहुत बढ़िया, सभी लोगों ने यहाँ पर सही आंसर चयन किया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, निम्न में से आंचलिक उपन्यास आपके लिए बताना है, कौन सा आंचलिक उपन्यास है, शराबी है, देहाती दुनिया, माँ, या फिर कर्म भूमि, आंचलिक उपन्यास सभी लोग चयन करेंगे, लाइक अवश्य कर लेंगे सभी लोग जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, एक बार जल्दी से लाइक कर लें क्योंकि बहुत सारे लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है। तो क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया है कौन सा, 85वां क्वेश्चन है, और 85 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर क्या होगा, तो देहाती दुनिया आपका यहाँ पर जो है सही आंसर है, देहाती दुनिया आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर होगा, बहुत बढ़िया, यहाँ पर सभी लोगों ने सही आंसर चयन किया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर 86 पूछा गया है कि विश्वंभरनाथ शर्मा कौशिक द्वारा लिखित तो उपन्यास बताना है, कौन से माने जाते हैं 1861 और 1946 की, बताइए, 1891 से 1946 जो है विश्वंभरनाथ शर्मा कौशिक जो है इनके द्वारा लिखित तो उपन्यास बताना है, कौन से माने जाते हैं, और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा 86 में विकल्प नंबर, क्या होगा सही आंसर, 486 का सही आंसर चयन करना है, तो विकल्प नंबर आपका बिल्कुल सही आंसर आ रहा है एक यानी कि माँ और भिखारिणी, माँ और भिखारिणी जो है ये उपन्यास माने जाते हैं विश्वंभरनाथ शर्मा कौशिक जी के, तो ऋतु जी विकल्प नंबर एक आपका यहाँ पर जो है सही आंसर होगा, स्वच्छंदतावादी कभी नहीं है, कौन नहीं है चयन करना, हरिवंश राय बच्चन, श्रीधर पाठक, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, या फिर नरेंद्र शर्मा, बताइए, नीतू जी क्या होगा सही आंसर, सभी लोग चयन करिएगा, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, स्वच्छंदतावादी कभी नहीं है, नहीं बताना है, तो आप सभी का यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 87 में विकल्प नंबर क्या होगा सही आंसर, तो 87 में आपका सी होगा सही आंसर यानी कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला आपका यहाँ पर सही आंसर है, विकल्प नंबर सी जो है वह आपका यहाँ पर सही आंसर होगा, बहुत बढ़िया, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर 88 पूछा गया है, क्या पूछा गया है देखिएगा, द्विवेदी को जागरण सुधार काल भी कहा जाता है, यह नाम जो है किस विद्वान ने दिया है, 10 बजे वाली क्लास भी होगी
और क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपसे 88 पूछा गया है। 88 में बताने कौन सा क्वेश्चन है बताइएगा लवली जी, अनिल जी, कौन से क्वेश्चन में जो है गलत हो गया है। क्वेश्चन नंबर 488 है और 488वां क्वेश्चन आप सभी का यहाँ पर पूछा गया है। रोहिणी जी, होगी 10 बजे वाली क्लास भी। और द्विवेदी को जागरण सुधार काल कहा जाता है, यह नाम दिया है किन्होंने? डॉक्टर नगेंद्र ने। विकल्प नंबर एक आपका यहाँ पर सही आंसर होगा, बहुत बढ़िया। डॉक्टर नगेंद्र जिन्होंने भी चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर होगा। प्रताप पत्र के संपादक थे कौन थे, ये आपके लिए चयन करना है, चयन कीजिएगा। प्रताप पत्र के संपादक कौन थे ये पूछा गया है। चार विकल्प यहाँ पर दिया गया है, बिल्कुल देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 82 को अभी देख लेंगे उसको भी। तो क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 89 यहाँ पर दिया गया है और 89 में आप सभी का सही आंसर आ रहा है, प्रताप पत्र के संपादक कौन थे। तो विकल्प नंबर एक आपका सही आंसर है, गणेश शंकर विद्यार्थी। गणेश शंकर विद्यार्थी आपका यहाँ पर जो है सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर 90 पूछा गया है। 90वां क्वेश्चन है कि रविंद्रनाथ ठाकुर को किस वर्ष गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया। नोबेल पुरस्कार यहाँ पर लिखा है, नोबेल लिखा है, और इस ये पुरस्कार कब दिया गया। क्वेश्चन नंबर 90 है, 90 में आपके लिए चयन करना है। तो आप सभी का क्या होगा सही आंसर, चयन कीजिएगा श्रीकांत जी, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और आप सभी का सही आंसर क्या है, बहुत बढ़िया, सभी लोग यहाँ पर बता रहे हैं कि विकल्प नंबर यहाँ पर जो बी है भाई आपका सही आंसर है। 1913 आपका यहाँ पर सही आंसर होगा, 1913 आपका सही आंसर है, बहुत बढ़िया। यहाँ पर 82वां वाला क्वेश्चन है जो यहाँ पर क्या हो गया, थोड़ी सा गड़बड़ हो गया है ये क्वेश्चन। 82वां यहाँ पर सुमेलित है पूछा गया है, लेकिन यहाँ पर नहीं जो है नहीं बताना, ये क्वेश्चन आपका कैसा है गलत है, तो इसको जो है अलग कर देते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर अगला क्या पूछा गया है, यहाँ पर दिया गया है कौन सा, यहाँ पर 90वां क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। ये रहा क्वेश्चन नंबर 90 हो गया आपका, 91 यहाँ पर देखिएगा। आधुनिक काल के ब्रजभाषा के शीर्षक कवि कौन से माने जाते हैं, ये आपके लिए बताना है, कौन माने जाते हैं ये आपको बताना है। तो हरिऔध हैं, या सत्यनारायण कविरत्न हैं, जगन्नाथ दास रत्नाकर हैं, मुकुटधर पांडे हैं, और आप सभी का यहाँ पर क्या होगा सही आंसर, बहुत बढ़िया, महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है। हाँ बिल्कुल सही, तो विकल्प नंबर आपका जो यहाँ पर सी है भाई आपका सही आंसर होगा, यानी कि जगन्नाथ दास रत्नाकर। आधुनिक काल के ब्रजभाषा के शीर्षस्थ कवि कौन माने जाते हैं, तो भाई रत्नाकर माने जाते हैं, रत्नाकर आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। ये क्वेश्चन आपसे इस प्रकार पूछा गया है, देखिए जो 82वां क्वेश्चन है कि सही सुमेलित आपसे यहाँ पर नहीं पूछा जाना था, नहीं पूछा जाना था, सही सुमेलित नहीं है। देखो जागो फिर एक बार, ये निराला जी की मानी जाती है ये रचना, जागो फिर एक बार यहाँ पर है पूछा गया, लेकिन है नहीं, नहीं पूछा गया है आपसे, सुमेलित नहीं है। तो नहीं में आपका यहाँ पर इस प्रकार होगा कि कौन सा सुमेलित नहीं है, तो जागो फिर एक बार कविता दिनकर की नहीं है, ये निराला की मानी जाती है। इस प्रकार जो है आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन में टाइपिंग में जो है गड़बड़ हो गया है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, यहाँ पर दिया गया है गीता रहस्य ग्रंथ के रचयिता कौन है बताइए, गीता रहस्य ग्रंथ के रचयिता कौन माने जाते हैं, ये आपके लिए चयन करना है। चार विकल्प आपके दिए गए हैं और जो सही आंसर है भाई सही आंसर होगा डी, यानी कि बाल गंगाधर तिलक आपका यहाँ पर सही आंसर होगा।
विकल्प नंबर एक आपका यहाँ पर सही आंसर है, आचार शुक्ल। आचार शुक्ल यहाँ पर सही आंसर होगा, यानी कि छायावाद को मधुचर्या किसने कहा है, तो आचार शुक्ल ने कहा है। विकल्प नंबर आपका एक जो है वह सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा आप, जो है आवाज सही आएगी, जो है यहाँ पर बाजे बज रहे हैं, इस कारण जो है आवाज जो है गड़बड़ आ रही है। सरस्वती के प्रारंभिक संपादक निम्न में से कौन थे, बताइए। अब आवाज सही आएगी, बताइएगा, चयन कीजिएगा। 94वां क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण है। सरस्वती के प्रारंभिक संपादक निम्न में से बताना है कौन थे, महावीर प्रसाद द्विवेदी, गुलाब राय, श्याम सुंदर दास, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तो 94 का सही आंसर आ रहा है श्याम सुंदर दास। कौन थे, श्याम सुंदर दास। विकल्प नंबर आपका जो सी है वह आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। सभा की सभ्यता किसका संस्मरण है, क्वेश्चन नंबर 95 आपसे पूछा गया है। महावीर प्रसाद द्विवेदी, भारतेंदु, ब्रज रत्न दास या फिर श्रीधर पाठक, बताइए। हाँ दीपक जी, तो क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। वैभव जी, सभा की सभ्यता किसका संस्मरण माना जाता है, तो आप सभी का सही आंसर आ रहा है, ये संस्मरण माना जाता है महावीर प्रसाद द्विवेदी का। किनका, महावीर प्रसाद द्विवेदी। विकल्प नंबर एक जो है वह आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। सरस्वती के प्रकाशक कौन थे, ये आपसे यहाँ पर पूछा गया है। 96वां क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण है, बताइए। 496 में आपके लिए चयन करना है, चिंतामणि घोष थे, रामचंद्र शुक्ल थे, जयशंकर प्रसाद थे या फिर निराला थे। तो क्वेश्चन नंबर 96 है, सरस्वती के प्रकाशक कौन थे ये पूछा गया है, तो चिंतामणि घोष आपका विकल्प नंबर एक जो है वह यहाँ पर सही आंसर होगा। विकल्प नंबर एक जिन्होंने भी यहाँ पर चयन किया है उनका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा कि छंदबद्ध कविता के स्थान पर लय और गति पर आधारित काव्य रचना को महत्व मिला है, स्वच्छंदतावाद में, रीति काल में, भारतेंदु युग में या फिर इनमें से कोई नहीं। हिंदी साहित्य जी, सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक अवश्य कर लेंगे। निर्मेश जी, रोज अपनी क्लासें चल रही हैं, सुबह 9 बजे, शाम को 4 बजे, रात में 10 बजे, इन लाइव क्लासों से सभी लोग जुड़िएगा। इसी तरह के महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर करवाए जाते हैं, और विकल्प नंबर यहाँ पर एक सही आंसर होगा, स्वच्छंदतावाद में। विकल्प नंबर एक जिन्होंने भी चयन किया है उनका सही आंसर है। श्रीधर पाठक की देहरादून कविता किस श्रेणी सृष्टि से उल्लेखनीय है, समाज सुधार से, प्रकृति चित्रण से, ग्राम्य जीवन से या फिर नारी उत्थान से, बताइए। 428 में आपके लिए तनु जी चयन करना है, लवली जी और अंश जी, क्या होगा सही आंसर, बहुत बढ़िया। श्रीधर पाठक की देहरादून कविता किस दृष्टि से उल्लेखनीय है, तो उल्लेखनीय पूछा गया है, तो आप सभी का सही आंसर है मंजू जी, प्रकृति चित्रण से। विकल्प नंबर दो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही आंसर चयन किया है। क्वेश्चन नंबर 499 पूछा गया है, आचार्य चतुरसेन शास्त्री द्वारा लिखित तो उपन्यास कौन से हैं, हृदय की परख, अमर अभिलाषा, हृदय की प्यास या फिर उपरोक्त सभी, बताइए। आचार्य चतुरसेन शास्त्री द्वारा लिखित तो उपन्यास बताना है, तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है कि उपरोक्त सभी जो यहाँ पर दिए गए हैं, हृदय की परख, हृदय की प्यास और अमर अभिलाषा, सभी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन है, 500वां क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण है। छायावाद शब्द का प्रयोग दो अर्थों में समझना चाहिए, एक तो रहस्यवाद के अर्थ में और दूसरा प्रयोग वाक्य शैली या पद्धति विशेष के व्यापक अर्थ में। यह कथन किस समीक्षक का है, डॉक्टर नगेंद्र या फिर रामचंद्र शुक्ल, नंद दुलारी वाजपेयी या फिर नामवार सेन। 500वां क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और आज का अपना बहुत ही 500वां क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण। इस कथन पूछा गया है और ये कथन किनका माना जाता है, रामचंद्र शुक्ल, यानी कि विकल्प नंबर दो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। तो इस प्रकार जो है आज की क्लास में अपने बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर थे कंप्लीट हुए, तो अब मिलते हैं रात में 10 बजे अपनी हिंदी साहित्य की, वहां पर भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होगी, तो सभी लोग जुड़िएगा उस क्लास से, और जिस भी क्वेश्चन में आपके लिए डाउट हो तो कमेंट में आप जो है पूछ सकते हैं, लिख सकते हैं कमेंट में, वीडियो वीडियो के बाद में भी आप जो है कमेंट में
लिख सकते हैं कि ये क्वेश्चन जो है गलत है या फिर इसका आंसर ये हो सकता है। सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सारे लोग देख रहे हैं लेकिन लाइक बहुत ही कम लोगों ने किया है, तो जल्दी से सभी लोग एक बार लाइक अवश्य कर लेंगे। और मिलते हैं रात में 10 बजे हिंदी साहित्य की, जहाँ पर महत्वपूर्ण क्लास होगी। तो सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लवली जी, मुकनत जी, रीमा जी, मेघा जी, साधना जी, सुहानी जी, हिंदी साहित्य जी, तनु जी, रिया जी, पार्वती जी, सरोज जी, रिता जी, शिल्पा जी, अंश जी और नीता जी, निशा जी, आस्था जी, कविता यादव जी, पिंकी जी, अनीता ठाकुर जी और नीतू सिंह जी, रोहिणी जी और मंजू जी, बिंदु जी, दीपक जी, रिया जी, श्रीकांत जी और पुष्पा भारती जी, साधना जी, और सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीकांत जी लाइक अवश्य कर लिया करें। अंश जी बहुत बढ़िया। अंश जी, शिल्पा जी, हाँ शिल्पा जी बहुत बढ़िया। क्लास के क्लास में और जो है क्वेश्चन हो तो वो जो है सॉल्व हो जाता है, और लेकिन आप कमेंट में बाद में भी लिखेंगे तो आपके लिए उसका आंसर जो है दिया जाएगा। निशा वर्मा जी देख नहीं पाते, बहुत सारे लोग जो है यहाँ पर कमेंट करते हैं तो वो क्वेश्चन जो है ऊपर चला जाता है तो देख नहीं पाते, तो जो है आप वो नहीं देख पाए होंगे। तो सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। संध्या जी, सरोज जी और नीतू जी, अगली क्लास आपकी रात में 10 बजे होगी। और सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी